अभी कमेटी बैठे साहब खेले भी गए डिफरेंट बहुत ही अच्छा डिफेंड किया है और उमेश ने फील्डिंग की है। उमेश रबरमैन बहुत ही शानदार नेशनल जर्नलिस्ट रह चुके हैं। दिनेश भाई अभी हमारे साथ वॉलीबॉल के खेल पर पुणे टीम से अभी जो पिछला मैच में वॉलीबॉल उसमें फाइनल में हमारे साथ में खेले थे बहुत ही पुणे की तरफ से और व्हाइट बॉल बहुत देखने को मिल रही है इधर पूरे टूर्नामेंट में हर टीम की करीबन कम 10-12 बॉल वाइड होती है 10-15 बॉल एवरेज हर मैच में। ओ देखो तो शानदार बॉलिंग और फल फ्रूट का काउंटर को लग चुका है दिव्य राम जी ने लगा चुका है इधर बिल्कुल फ्री फल फ्रूट एंकल बहुत ही शानदार व्यवस्था खिलाड़ी के लिए फल फ्रूट की एनर्जी बच्चों के लिए वो भी फिर से वाली है बहुत ही शानदार वाली के द्वारा बहुत लाइन तो स्टिक गेंद का विकास कहा जा सकती है और हमारे सामने वैसा गेंद में ये जो आप मैच देख रहे हैं बहुत ही शानदार कट हमने पहले भी बोला था आपके लिए इधर गई है हमारे एडवांस काम आएगा बहुत ही शानदार कट और चार रन के हमने पहले बोला हमारे तमिलनाडु की तरफ से बहुत ही शानदार कट चौथा बहुत ही लास्ट बॉल इस ओवर की लास्ट बॉल लंबा ओवर की लास्ट बॉल और सामने बैट्समैन तैयार देखते स्कोर पर क्या करेंगे अच्छी बॉल उसको निकाला है थर्ड मैन की तरफ बॉल जा रही है बाउंड्री के बाद चार रनों के रूप में तमिलनाडु को दो बार दे दिया शानदार कट और बहुत ही दर्शनीय क्या करें आप समय से लगा बहुत ही आपकी टीम खेल रही है लेकिन आप अब देखिए लास्ट ओवर का तमिलनाडु को जितने रन बना सकते हैं आप टीम के मेन प्लेयर है लेकिन क्या टीम क्या कर रहे हो कुछ मालूम नहीं आप काम में लगे हैं इसको बोलते हैं बहुत और अब सामना करेंगे लेफ्ट हैंडर बैट्समैन तमिलनाडु की ओर से बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है जो लेफ्ट हैंडर रहे हैं बहुत ही शानदार बैट्समैन देखते हैं अभी कितने रन बनाते हैं इस लास्ट ओवर में अच्छी द्वारा काफी बार गोल वाइड करा दिया इसके साथ ही हैट्रिक के रूप में तमिलनाडु के खाते में एक और रन और इसी तरह की रनिंग की जरूरत है तमिलनाडु अगर ये मैच जीतना है तो अगली बॉल अच्छी तो बहुत ही अच्छी बॉल पटकी उस बॉल को बैट्समैन बिल्कुल ही नहीं समझ पाए आगे आकर मारना चाहते थे मोरर बॉल काफी दूर बैठ से उसी की प्रक्रिया तो हमें कोई नुकसान नहीं अगले बॉल देखते इस बॉल पर क्या करेंगे बैट्समैन दल दल रुतिया अच्छा शॉट हवा में सीधा नीचे और ये कैच बहुत ही शानदार कैच पुणे के खिलाड़ियों द्वारा और कुछ जोखिम भरे शॉट खेलने की जरूरत थी और उसी तरह से इस बॉल को खेला मगर दूरी नहीं ले पाए और सीधा फील्डर के हाथ में किया चलो के बाहर आते हुए तमिलनाडु की तरफ से बहुत ही अच्छा खेल रहे थे बैट्समैन मगर अभी अभी एक फुल शॉट मारने के चक्कर में सीधे
थर्ड मैन के जो फील्डर करता वहां पर कैच होकर के हां और अगले बैट्समैन तैयार। लास्ट चार बॉल बचे हैं तमिलनाडु को पहले इनिंग के, चार बॉल बचे हैं, देखते हैं इस चार बॉल में कितने रन बना पाते तमिलनाडु पुणे को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने के लिए। अगली बॉल अच्छी बॉल अपील मगर विश्वास में कमी और रन आउट के रूप में खतरा हो सकता है। जोरदार अपील मगर उस अपील का कोई असर नहीं एमएल के ऊपर, नॉट आउट करा दिया उस अपील को। प्रकाश पूरा ऐसे पीछे लगता है लेग ब्रेक का रन ओके रन पर दी। अगली बॉल और सामने तैयार है बैट्समैन लोके, देखते हैं किसने रन बुट बुट पर लोके फुलटॉस बॉल कोई फायदा नहीं ला पाए, फिर भी एक रन के लिए निकाल दिया और एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। वहां फील्डर मुस्तैद और एक ही रन से संतोष करना बहुत ही अच्छी फील्डिंग पुणे द्वारा, महाराष्ट्र की टीम पुणे और जो ये मैच जीतेगी वो फाइनल कर्नाटक के साथ में खेलेगी, तो आपके मनोरंजन बहुत ही भरपूर आज के दिन में ये सेमीफाइनल चलता हुआ दूसरा सेमीफाइनल। अच्छी बॉल बहुत अच्छी बॉल और तीन बॉल होकर के बाहर आते हुए बहुत ही अच्छी बॉल गिल्लियां भी बॉलर ने बहुत ही शानदार टप्पा लाइन और लेंथ के साथ में बॉलिंग की और इसके रूप में एक और विकेट मिला। लास्ट ओवर चलता हुआ इनिंग्स का पहली इनिंग्स का तमिलनाडु की दूसरी टीम जो सेमीफाइनल में पहुंची उससे पहले सीएसके वो भी तमिलनाडु की थी और उसको हराया था कर्नाटक की टीम ने बहुत ही शानदार तरीके से। पहले सेमीफाइनल में कर्नाटक ने सीएसके को हराया और दूसरा सेमीफाइनल चल रहा है तमिलनाडु की टीम अब देखते हैं ये जो बच्चे बॉलर कितने रन बनाते हैं तमिलनाडु के। बॉल दौड़ते हुए अच्छी बॉल बहुत अच्छी बॉल मगर एक रन के रूप में दूसरे रन के लिए भाग रहे खतरा हो सकता है और ये आउट बहुत ही खतरो और इसके साथ ही तमिलनाडु की पारी की समाप्ति। बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है पुणे ने और इस और इनिंग पूरा स्कोर 58 रन कप्तान कौन है कप्तान 58 रन तमिलनाडु का स्कोर 10 ओवर समाप्त। और मैं हीरा राम जी से जानना चाहूंगा हीरा राम जी हमारे सामने आ रहे हैं पुणे के खिलाड़ी हीरा राम जी और अच्छे बॉलिंग कर रहे थे। देखिए मैं पुणे के खिलाड़ी से बात करना चाहूंगा पुणे से नरेश भाई इधर आइए नरेश भाई कमान नरेश भाई शर्मा प्लीज कमियर आप अभी श्री समाज संपूर्ण भारत की वेबसाइट है उस पर लाइव है और मैं जानना चाहूंगा इस सेमीफाइनल में जो स्कोर दिया है तमिलनाडु ने वो आपके लिए कितना आसान होगा और आपकी बैटिंग के लाइन के बारे में बताइए किसके ऊपर आपका दारोमदार है बैटिंग के ऊपर। वैसे हमारे सभी प्लेयर्स बैटिंग करते हैं पर हमारे लिए 67 टफ नहीं जाएगा क्योंकि पिछले मैचेस में हमने देखा था कि हमारी बैटिंग बहुत अच्छी गई थी। हमने सुना है कि आपके एक बैट्समैन है जो पहले लीग मैच में एक बहुत ही शानदार 50 मारी थी और अच्छे बैट्समैन है तो आपकी बैटिंग लाइन हमने सुना बहुत अच्छी है मगर ये जो टारगेट मिला सेमीफाइनल का प्रेशर होता है तो आप उस प्रेशर को कैसे झेल पाते हैं और ये जो टारगेट है आपके लिए कितना आसान होगा। अभी तमिलनाडु की एक ही आस बची है इस एक ही टीम बची है बड़ा टीम एक कर्नाटक की बात ये पुणे की पूरी टीम है आप ये बताइए आप इसमें कौन से आए हैं ये तमिलनाडु में इससे पहले जो मैच खेला गया था सीएसके वर्सेस इसमें अपने सीएसके वर्सेस कर्नाटक के बीच में आपने उस मैच को भी देखा था और ये मैच को भी देखा है आप कैसा लगा यहाँ आकर के तमिलनाडु के टूर्नामेंट करा रहे हैं सर। धन्यवाद आप
का ये जो सोशल चैनल है हमारे सिटी सुपर सपोर्ट भारत जो वेबसाइट है इस माध्यम से पहुंच गए हैं और ये जो पहली बार आप इसे देख रहे हैं कब पीच पे हमारे सिटी समाज का टूर्नामेंट हो रहा है तो इसके लिए बहुत ही मेहनत की उन्होंने और हमारे लिए बहुत अच्छी ये व्यवस्था रखी है। मैं भी कर्नाटक टीम से खेलता हूँ और आप पूरी टीम से खेलते हैं। हमने यहाँ एक अनुभव किया है जो अनुभव हम लेके जाएंगे यहाँ से आगे हमारे लिए समाज के लिए बहुत अच्छा काम रहेगा और मैं चाहूंगा कि पुणे इस क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए आगे आए तो आपके विचार सर पुणे टीम की जो आगे भविष्य में जो क्रिकेट के बारे में आपके विचार सर थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और आपके विचार बहुत अच्छे थे और आप जो टारगेट मिला है पुणे को आज के इस सेमीफाइनल में जो सेकंड सेमीफाइनल पुणे वर्सेस तमिलनाडु में हो रहा है आप देख सकते हैं। तमिलनाडु वर्सेस पुणे के बीच में जो सेमीफाइनल आज चल रहा है उसको आप देख सकते हैं और नहीं सर मैं आपको सब इंटरव्यू कर रहा हूँ और आप जो देख रहे हैं अभी हमारे सीरीज समाज संपूर्ण भारत .com पर लाइव और यहाँ पर हमारे बहुत ही बुजुर्ग यहाँ समाज के मंत्रगण बैठे हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा जो सेमीफाइनल चल रहा है पुणे वर्सेस तमिलनाडु के बीच में जो स्कोर तमिलनाडु ने पुणे के सामने रखा है उस स्कोर के बारे में आप अपने राज्य से क्या स्कोर फेजेबल है पुणे के लिए सर आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं मेरा नाम मांगीलाल है और जहाँ तक खेल का सवाल है चेन्नई की अपने तमिलनाडु की टीम ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और साथ में पुणे की जो बॉलिंग थी वो वास्तव में देखने लायक थी। हम आशा करते हैं कि ऐसे ही कुछ प्रतियोगिताएं अगर हुई आगे भी बार बार हुई तो जरूर अपने समाज से कुछ अच्छे प्लेयर्स दिखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने बताया आगे फ्यूचर के लिए भी कुछ जानकारी दी हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए और सर क्रिकेट में कोई बैट्समैन जल्दी पहुंचे ग्राउंड में चार बज चुके हैं और जो पढ़ने वालों की अभी पहली मैच खेलना है जो भी गेम बहुत अच्छी रही बैट्समैन खिलाड़ी टीम के बैट्समैन जल्दी पहुंचे बुजुर्गों से सुनने को मिलती है वही बात कौन कहता है कि बुजुर्गों क्रिकेट के बारे में नहीं जानते सब जानते हैं लेकिन बहुत कम बोलते हैं और बारीकी से ध्यान रखते हैं उस गेम के ऊपर। और सर मैं आपको कल से देख रहा हूँ आप यहाँ पे आज का जो ये सेमीफाइनल चल रहा है इस कप की दावेदार टीम कौन सी है तो ये सेमीफाइनल चल रहा है और सेमीफाइनल में तमिलनाडु वर्सेस तमिलनाडु का जो मैच है पहले इसका अगर रिजल्ट आ जाए तो पता चलेगा कि कौन सी जैसे मैसूर और पुणे मुझे लगता है फाइनल में ये दोनों टीमें पहुंचेगी। बिल्कुल देखिए यहाँ पर लोकल या जो सपोर्टिंग लोकल टीम की लेकिन खेल की भावना देखिए उनमें अरे यार ना चाल बजाओ रे बहुत अच्छी भावना क्योंकि उन्होंने गेम देखा है गेम की जो है सपोर्ट कर रहे हैं उनकी खुद की टीम की सपोर्ट ना करके गेम की सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए जोरदार तालियां दोनों टीमें बहुत बढ़िया खेली और मैं चूंकि महासभा का एक सचिव हूँ तो मेरे लिए तो आठों ही टीमें मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं किसी एक टीम को सपोर्ट नहीं कर सकता मेरे लिए आठों टीम है हमारी टीमें हैं हमारे समाज की टीम है तो मैं तो आठों टीमों को सपोर्ट करता हूँ और क्रिकेट को सपोर्ट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप क्रिकेट के लिए इतना अपना जो सेवा टाइम जो सेवा दे रहे हैं उसके लिए बहुत धन्यवाद। बोलिए आई मात जय हो आपने बुजुर्गों के लिए कहा था और इनके इस उम्र में जो जुनून की बात
बात कही थी, मैं उसका जवाब देना चाह रहा था कि पहले बात तो यहाँ जो बैठे हैं उनमें बुजुर्ग ये लोग हैं, हम लोग तो युवा हैं। और रही इनके जुनून की बात, तो पैसों का जुनून खत्म होने के बाद मोक्ष की तरफ इंसान जाता है, तो ये पैसों से अब शरीर के स्वास्थ्य की तरफ और बच्चों के खेल की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका ऐसे ही विचार हमारे समाज को मिलते रहे। 60 साल बाद में क्या योग साठ रिया को ना और इस बीच में फिर से मैच पुणे की तरफ से एक शानदार छक्का आप देख सकते हैं। फिर से दूसरी इनिंग पुणे की स्टार्ट हो चुकी है और लाजवाब एक शानदार छक्का दुर्गाराम जी की बॉल पर। दुर्गाराम जी जो इस तमिलनाडु क्रिकेट टूर्नामेंट में बहुत ही शानदार क्रिकेटर हैं और उनकी पहली बॉल पर छक्का मारा पुणे के चार खिलाड़ी ने और उनके ऊपर जो पुणे का जो ओपनर बैट्समैन है उन्होंने लीग मैच में एक मैच में 50 मारी थी, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। देखते हैं पुणे का फिर से पहली स्टार्ट हो चुकी है, जो टारगेट मिला है 57 रन का, देखते हैं टारगेट कितने ओवर में पूरा करते हैं। अगला बॉल लेकर आ रहे दुर्गाराम जी, अच्छी बॉल, बहुत अच्छी बॉल, खेलना चाहते कहीं और कहीं चली गई लेग सामने से पहले की तरफ और एक रन चुराया आसानी से, एक रन पूरा स्कोर बढ़कर 7 रन। स्कोर 7 रन, देखते हैं कितने ओवर में ये मैच और करोड़ बेटे का थोड़ा साइड में ले लो, उसको जो प्रॉब्लम आ रही है अंपायर का इशारा देख नहीं पा रहा है उसके रहा है। आप लोग बैठो पहले में, आप बैठो साहब, आप बैठो और कुछ हैमस्ट्रिंग की प्रॉब्लम बैट्समैन को आ रही है नंबर 10 के खिलाड़ी। अगली बॉल दुर्गाराम जी की और सामने तैयार पहली बार इस दुर्गाराम जी की टूर्नामेंट में पहला बहुत शानदार बॉलिंग करते हुए टीम अच्छी बॉल डिफेंस किया, बहुत अच्छी बॉल दुर्गाराम जी की, उसको सम्मान दिया, एक अच्छी बॉल को अच्छी क्रिकेट की तरह सम्मान देकर खेलना ही बैट्समैन की बहुत बड़ी ये विशेषता होती है अच्छे बैट्समैन की, और खराब बॉल को सही नसीहत देना वो बैट्समैन की प्लस पॉइंट है। स्लिप देख के बहुत ही दूर छठी सातवीं जगह पर स्लिप खड़ा किया है और ये शानदार शॉट, बहुत ही शानदार शॉट के रूप में सीधा पवेलियन की तरफ मार दिया उस बॉल को 4 रनों के रूप में। आप देख सकते हैं शानदार चौका दुर्गाराम जी की एक और बॉल पर और लगभग इरादे जाहिर कर दिए हैं पुणे ने कि क्या करने के मूड में आए हैं आज, और ये दूसरा सेमीफाइनल चल रहा है तमिलनाडु वर्सेज और पुणे के बीच में, उसमें लगातार रन बना रहे हैं, पहले ही ओवर से उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। अब देखते हैं पुणे की टीम इस मैच को कितने देर में अपने फेवर में कर पाती है, देखते हैं। अच्छी बॉल मगर उसको उठाकर पाना चाहते थे आसानी से, एक रन चला लॉन्ग ऑन की तरफ खेल करके, बहुत ही शानदार बैटिंग कर रहे हैं पुणे के दोनों ही खिलाड़ी। पहले ओवर में उन्होंने 11 रन बना दिए, पावर प्ले जो 3 ओवर का होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा रन बनाना चाहते हैं दोनों ही खिलाड़ी पुणे के, पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं। आप देखिए पहले ओवर में 3 रन बना लिए, अब और 2 पावर रन पे और बचे हैं, देखते हैं 2 ओवर में कितना रन बनाते हैं। फाइनल कितने बजे? बहुत ही शानदार शुरुआत पुणे के द्वारा, नेक्स्ट बॉलर दिनेश